Okay, Titiksha, you start. Start. Read out first a session reason question. Yes, read it out. चलो वो नहीं हो पा रही. दिव्या आप बोलो. दोबारा बोलो. assertion is speed of इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले. चलो लिखो assertion. assertion is the speed of a body is uniform if xt graph is a straight line. If xt graph is a straight line. Reason: the slope of xt graph gives speed of the object. Gives speed of the object. चलिए आप बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, यू हैव टू चेक वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट. पहले ये काम करना. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक असर्शन इज करेक्ट. इफ एक्सटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन इज द स्पीड यूनिफॉर्म और नॉट. स्पीड इज यूनिफॉर्म. असर्शन इज करेक्ट. देन चेक व्हाट डज द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव अस. इट गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. Both are correct. Now we have to check whether it is option A or option B. Whether reason is explaining assertion or not. अब हमें ये check करना है. अगर दोनों correct हैं तो. चलो बताओ. अब यही reason है क्या? हमें ऐसे ही पता चला क्योंकि xt graph की slope जो है वो uniform है. That's why the speed is uniform. And slope of xt graph gives the speed of the object. तो ये उसको एक्सप्लेन कर रही है. यस कर रही है. इट इज एक्सप्लेनिंग इट. सो आर ऑप्शन इज ए. आर आंसर इज ए. असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके. यस नेक्स्ट क्वेश्चन मगन. हाँ बोलो. Force provides. चलो लिखो assertion. बोलो assertion. Force is not required to move an object along a straight line. Uniformly along a straight line. Force is not required to move an object uniformly along a straight line. And the reason is force only gives the acceleration. Force only gives an idea about the acceleration. Only acceleration. It gives an idea only about the acceleration. So first of all, check it out. Assertion is correct or not. When an object is moving uniformly on the floor or on any surface, is any force required to maintain its uniform motion? अगर एक बॉल है आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया और वो यूनिफॉर्मली जा रही है तो क्या आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको मूव करने के लिए? रिक्वायर्ड होगा? What do you say? होगा रिक्वायर्ड. और रीजन रीजन क्या है? कैसे रिक्वायर्ड होगा बताओ. सपोज एक बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है तो आपको उसको मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए होगा. मेंटेन करने के लिए भी फोर्स चाहिए होगा. बताओ.
आपने खुद फ्रेम किया ना क्वेश्चन, खुद फ्रेम किया कि देखा कहीं बुक से देखा? तो बुक में उन्होंने क्या आंसर दिया इसका? ए ऑप्शन दिया। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस? जैसे अर्थ है फॉर एग्जांपल, आई गिव यू वन एग्जांपल, अर्थ इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड द सन, तो उसको कोई फोर्स रिक्वायर्ड है एक बार उसको मूव करने के लिए कि उसके बाद फोर्स चाहिए ही नहीं है? चाहिए, अभी भी चाहिए, बिकॉज सपोज यू आर साइकिलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन पेडलिंग, जैसे ही आप पेडलिंग करना छोड़ दोगे यू विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। यू कैन चेक इट आउट एट होम, If you are bicycling in a circular path, you have to constantly pedaling it. You have to pedal it hard to keep yourself moving along a circular path. If you stop pedaling, you will go along a straight line. अब आप circle में नहीं move कर पाओगे, अब आपका path straight हो जाएगा। तो अगर earth जो है उसको भी centripetal force मिलना बंद हो जाए तो it no more be, it will be moving along a circular path around the sun or around its axis. तो हर टाइम उसको एक फोर्स चाहिए, एक फ्यूल चाहिए टू कीप इट सर्कुलर मोशन इंटैक्ट, राइट? तो असर्शन करेक्ट है कि अगर बॉडी मूव कर भी रही है, मैंने आपको बताया था ना काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तभी, तब भी कोई हमें अपोज कर रहा है, हम अप्लाइड फोर्स तो तब भी लगा रहे हैं। जब आपका साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है पैडल तो करते हो कि पैडलिंग छोड़ देते हो? यू हैव टू पैडल इट, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। सो असर्शन इज करेक्ट। What about the reason? They are saying force only depends upon acceleration. कौन कौन से factors पे force depend करता है? F is equal to ma. We have the formula mass and acceleration. But nothing we have to do with the mass in this case. कोई भी object हो, heavier हो, lighter हो, यहाँ पे mass तो same है, हम mass को change ही नहीं कर रहे, ठीक है? यहाँ पे acceleration भी zero है, because the velocity is uniform, okay? Speed is uniform, magnitude is not changing. When there is no change, acceleration is not there. So acceleration zero है ना यहाँ पे? Velocity का magnitude change नहीं हो रहा, u is equal to v, so that's why acceleration is zero. Why acceleration is zero? Because the formula of acceleration is v minus u over t. And when the speed is uniform, magnitude uniform है, so acceleration जीरो होना किस पे डिपेंड है? जा भी हो स्ट्रेट लाइन में रही है ना, तो फिर फोर्स जो है वो ओनली एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड किया इस केस में, तो ठीक है, रीजन भी करेक्ट कह सकते हो, बट ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका बी बनना चाहिए। करेक्ट है रीजन कि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग आवर असर्शन इन द करंट केस, बिकॉज इन द करंट केस आवर एक्सेलरेशन इज जीरो और हम कह रहे हैं कि एक फोर्स चाहिए मेंटेन करने के लिए मोशन, ठीक है? तो इसका आंसर आप बी लिख सकते हो। रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट लिखिए असर्शन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और रीजन लिखिए, रीजन इज अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो बताओ, व्हाट डू यू से? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाती है, सपोज कब आती है जीरो, कोई बता सकता है? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट? सीधा चलाओ, सर्कल में चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ। इफ ही कम्स बैक टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे घूम फिर के जहां मर्जी से आ जाए तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो। एंड दे आर सेइंग इन द असर्शन दैट अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाती है तब हम उसको वेक्टर नहीं मानते, तो क्या ये करेक्ट है? चेक इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर असर्शन इज राइट और रॉन्ग। राइट है,
लिखा नहीं आपने, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज रॉन्ग। अगर हमारा मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया तो हम इसको स्केल वेक्टर से स्केलर का वो टाइटल दे देंगे, हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, वो तो हम पहले से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव कैन बी जीरो, उसी को लेके चलते हैं हम कि ये एक वेक्टर भी है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ गया दैट डजंट मीन कि ये वेक्टर नहीं रहा, जीरो वेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी असर्शन रॉन्ग है। रीजन क्या है? रीजन इज वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, कौन सी ऑप्शन होगी? ये डी पार्ट होगा। तो आंसर इज डी पार्ट, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। हाँ जी, और किसने लिखा इधर से बोलो? नहीं नहीं अभी चलो बोल दो न्यूटन सेकंड। हाँ, असर्शन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, और रीजन क्या है? चलो ठीक है, लिख सकते हैं ये, आप वैसे ही सुन लो बिकॉज अभी हम मोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा टेस्ट मोशन का है। असर्शन इज दैट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। एंड रीजन इज न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो क्या आंसर है इसका? ए आंसर है, दोनों करेक्ट हैं। और यस, क्योंकि ये हमें उसका एक्सप्रेशन दे रहा है तो मेजर ऑफ फोर्स ही तो दे रहा है, उसकी स्टेटमेंट से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि ये उसका फॉर्मूला दे रहा है। तो यस, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो। यस, इधर assertion is an athlete runs certain distance before taking a long jump, reason kya hai? When an athlete runs certain distance his body does not come in motion, kaun sa part correct hai? Pehle check karo assertion correct hai ki athlete runs certain distance before taking a long jump, yes assertion is correct, reason correct hai कि जब वो भाग के आता है उसकी बॉडी मोशन में नहीं आती, ये फॉल्स है। तो फिर कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी इज द आंसर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, आपने लिखा दोनों ने? नहीं लिखा? लिखा तो बोलो। एक मिनट, असर्शन दोबारा बोलो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बैठ जाओ, मतलब एटी ग्राफ कह रहे हो कि बीटी ग्राफ कह रहे हो? योर ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी टाइम? एक्सेलरेशन टाइम मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर फिर आपका आंसर क्या है? डी पार्ट। हाँ फिर ठीक है, बैठ दो। तो असर्शन लिखो, ये मोशन भी है लिखो। क्या था? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, रीड इट आउट, असर्शन बोलो दोबारा से। लिखो, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, मतलब ये इंक्रीज हो रही है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप।
because in acceleration, case of acceleration, it's very important whether the slope is positive or negative. अगर नेगेटिव है तो वो रिटार्डेशन बन जाएगी, है ना? रीजन एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रीजन है बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो असर्शन है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ नहीं आएगा, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, एंड रीजन है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलो बताओ अब इसका आंसर क्या हुआ, पहले चेक करो कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं। नो रीजन क्यों नहीं है करेक्ट? हाँ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए था, हाँ क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे करेक्शन है। तो असर्शन को आप मान सकते हो फॉल्स और रीजन ट्रू है क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डी पार्ट आपका आंसर आ गया, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, assertion is false and reason is true। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बस खत्म हो गए और किसी ने लिखा हुआ है? हाँ तितिक्षा आप बोलो। यस तितिक्षा यू हैड रिटन अ क्वेश्चन, बोलो। यस अरियब प्रतीक्षा लिखा हुआ है आपने कि नहीं? चलो आप बोलो किसने लिखा हो। हाँ बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। Draw this graph. This is speed time graph. Speed in meter per second, time in second. So this is speed time graph given for a car weighing 1000 kg. Question likho, this is speed time graph for a car weighing 1000 kg. Ye aapne waise hi MCQ banaya. This is not assertion reason, this is MCQ. This is speed time graph for a car weighing 1000 kg. Question number one, what is the distance traveled by car in first 2 seconds? How much distance is traveled by the car in first 2 seconds? Or second part hai iska, braking force applied at the end of 5 seconds to stop within a second. What is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second? What is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second? ये देखो ना five, हाँ दो parts है ना, दो parts है। 5 सेकंड में ब्रेक लगाई और 1 सेकंड और में वो स्टॉप पे आ जाए, मतलब कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ये पूछ रहे हैं। व्हाट इट, 5 सेकंड पे ब्रेक लगाई, 6 सेकंड तक रुक जाए, तो इसलिए लिखा है विद इन 1 सेकंड। ऑप्शंस आर 15 मीटर एंड 15,000 न्यूटन, 15 मीटर
-15,000 newton 300 meter -3,000 newton and 30 meter 1,500 newton। ये दोनों ही चैप्टर्स का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट जो है वो आपके मोशन चैप्टर का ही है। चलो, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ? बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको 2 सेकंड में बोला है 2 सेकंड का एरिया निकाल लेना है आपने, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दैट विल गिव यू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो वैल्यूज पुट करो, ओ बी कितना है 2 सेकंड और ए बी कितना है ये देखो 15, तो ये आ गया 15 मीटर। आपका ये ए और बी में से एक आंसर है, 15 मीटर आ गया। अब बिना देखे वैसे तो आपका आंसर पता लग गया होगा कौन सा कौन सा। नहीं नहीं, ए है कि बी है ये नहीं पता चला। ए कैसे? नेगेटिव होना चाहिए ना फोर्स, रिटार्ड कर रहा है वो। वी आर ब्रिंगिंग द कार टू अ स्टॉप, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव में होगा, फोर्स रिटार्डिंग होगा। तो आंसर बी है आपका, आंसर बी है। पर चलो पहले फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालोगे फोर्स? इतने पार्ट में आपको फोर्स निकालना है। क्या था क्वेश्चन? ये F is equal to m a, a is v minus u over t, v minus v और u और t यहाँ से लेने हैं। टाइम कितना है? 5 और 6 सेकंड में 1 सेकंड टाइम लोगे आप 1 सेकंड का। लेट्स कैलकुलेट एक्सेलेरेशन फर्स्ट। v माइनस यू ओवर टी 5 से 6 सेकंड में टाइम है मान का। v कितना है? v v is slow, v दिया ही हुआ है आपको यहाँ पे। वेलोसिटी तो जीरो होगी ना फाइनल, तो v आपका जीरो है। u कितना है? ये रहा ये u, 15 था यहाँ पे। v कितना था? 15 u। यहां से पता चल रहा है ये स्टार्टिंग है, ये u हुआ और ये स्टॉप हो गया, ये v हुआ। तो ये u कितनी है? स्पीड इधर है 15, तो एक्सेलेरेशन कितनी हुई? -15 meter per second square। सो हाउ मच इज द फोर्स? F इज इक्वल टू एम ए एंड मास इज गिवेन। F is equal to ma, mass is 1000 and acceleration is -15, so answer is -15,000 newton। तो आपका B part correct हो, so that is -15,000 newton। ठीक है, clear? Is that okay? Didiksha, if you want to speak, बस और नहीं है किसके पास? लिखा और किसी ने? बोलो, खुद बनाया क्या कॉपी से? नहीं, केस स्टडी कोई? हाँ बोलो, एमसीक्यू। Assertion? नहीं, it is MCQ or assertion is it? MCQ. Okay. Statement is? तो options क्या हैं? आप इसी को question में convert कर लो ना। Dash friction comes into play when the object is at rest. ठीक है? Static, डायनेमिक, लिमिटिंग, नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो गया? स्टैटिक। एक और चीज है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, लिख लो प्लीज। प्लीज नोट इट डाउन, विच फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग? आई टोल्ड यू।
भाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप पर एडजस्ट करता है कैसे? यस सॉरी मैम, मैम सॉरी बाय मिस्टेक एंड हो गई थी क्लास, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी या कुछ, हाँ. तो मैं स्कूल आती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी आपके अच्छी प्रॉब्लम दिखा देती हूँ. हे यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन, अभी बोल दो हम डिस्कस कर लेते हैं. मैम एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग, रीजन विद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन. ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस, ये हमने सिमिलर कर ही लिया है सब कुछ. चलो ये कंटिन्यू करिए, हु विल टेल मी व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? व्हाई सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग? बिकॉज इट ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. एक बिग हैवी आयरन बॉक्स है, हम रेफ्रिजरेटर है उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्रिज है यहाँ पे, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, डजंट मूव, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन हैज कैंसल्ड योर फोर्स. यू इंक्रीज योर फ्रिक्शन फर्दर, इंक्रीज योर फोर्स फर्दर, अगेन फ्रिज डजंट मूव, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप इंक्रीज हो गया और आपके फोर्स के इक्वल होकर उसको कैंसल कर रहा है. सो टिल द फ्रिज इज एट रेस्ट एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज बिकमिंग इक्वल टू योर अप्लाइड फोर्स एवरी टाइम एंड कैंसलिंग आउट इट. ठीक है, so that's why we can say that static friction is a self adjusting force, it always adjusts its value so that it becomes equal to the applied force always, and hence motion doesn't take place because it balances. theek hai, chaliye bachche aur koi doubt hai to puch lo, case study question ye iska jo hai aap isko usme send kar dena, iske questions kahan hai? acha aap physics group mein dal do, theek hai.